हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं फिर से आप लोगों को नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो मैं अभी आज चल रहा हूं पटना एनआईटी घाट, और ये आप लोग देख सकते हैं पटना मेट्रो का काम अभी चालू है पटना में। और ये रहा पटना की सड़कों, जो आप लोग देख सकते हैं खूबसूरती कितना गजब का ये खूबसूरती है। और ये ऊपर से आप लोगों का जगदेव पथ, जो ऊपर वाला जो ओवरब्रिज है उसके ऊपर से हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं ऊपर से क्या नज़ारा लग रहा है इस रोड का। तो अभी हम लोग एनआईटी घाट चलते हैं और वहाँ का व्यू दिखाते हैं। वीडियो बने हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम लोग शिव मंदिर पहुँच गए हैं शेखपुरा, और हम लोग आज संडे है, संडे को निकले हैं एनआईटी घाट पटना के लिए रवाना हुए हैं। अभी राजा बाजार क्रॉस करते हुए कारगिल चौक होते हुए हम लोग एनआईटी घाट चल रहे हैं। अभी हम लोग चिड़ियाघर की ओर बढ़ रहे हैं, बस यहीं पे ये ब्रिज खत्म हो जाती है, और जस्ट जैगवार के पीछे पीछे हम लोग अभी राइड कर रहे हैं गाड़ी को। बगल में आपको सरदार पटेल भवन। पटना के खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत रोड है ये, चिड़ियाघर, गोला रोड, बिल रोड, आपको पूरा शानदार व्यू नजर आएंगे, और काफी शानदार लगेगा आप लोगों को राइड करने में। चिड़ियाघर के पास हम जस्ट अभी पहुंच गए हैं। ये हमारा चिड़ियाघर पटना जू, और खूबसूरत सा यहाँ लोग जो कि एंजॉय करते हुए इसी तरह पटना के रोडों को मजा लेते हुए हम लोग एनआईटी घाट के लिए निकले हैं। इवनिंग के टाइम में अभी हम लोग संडे है, तो संडे को पटना एनआईटी घाट हम लोग जाया करते हैं गंगा आरती को लेकर के। और ये हमारा पंच हनुमान मंदिर, पंचरूपी मंदिर। पटना अभी हर दिन डेवलप हो रहा है, और मेट्रो की वजह से कहीं कहीं आपको बहुत ज्यादा रस देखने को मिल जाएगा, जाम काफी हो जाती है पटना में। तो हमारे चीज धीरे धीरे पटना का लुक चेंज होते हुए नजर आते हैं। देखिए आप लोग, हर दिन का मैं न्यूज देते रहता हूँ पटना का। काफी मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए देखिए काफी यहाँ पे लुक देखिए भयानक लग रहा है देखने में। पूरी तरह से काम अभी जोरों शोरों से चल रहा है। हम लोगों को पूरा रोड एकदम साइड से बिहार म्यूजियम आगे है, एक खूबसूरत सा बिहार म्यूजियम। यहाँ पे आप लोग आइए और बिहार के चीजें को देखिए। यहाँ पे बहुत काफी चीजें हैं बिहार से जुड़े हुए चीजें को देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। जस्ट अभी हम लोग पहुंच गए इनकम टैक्स गोलंबर, और यहाँ देखिए काफी रस है, इससे आदित्य विजन, और इसी से हम लोग आगे देखिए यहाँ पे गोलंबर के पास से हम लोग टर्न। हाँ, यहाँ से हमारी गाड़ी खुल चुकी है, काफी रस के बाद यहाँ से निकले हैं ट्रैफिक के बाद। पूरा खुला खुला रोड है, और यहाँ पे राइड हो रही है, अच्छी खासी स्पीड है हम लोग गाड़ी का। छज्जी बाग होते हुए गांधी मैदान, तो राइड ले रहे हैं हम लोग। ये सामने आपको पटना सेंट्रल मॉल जस्ट बगल में ही है, बीआरटीसी ऑफिस। यहाँ देखिए गांधी मैदान मेरे जस्ट पीछे में, पूरा शानदार। इस टाइम इवनिंग के टाइम में पूरा भीड़ लगा हुआ रहता है। जस्ट अभी हम लोग कारगिल चौक पहुँच गए हैं, शहीद स्मारक कारगिल चौक। यहाँ पे देखिए मोना सिनेमा। रोड तो खराब है एनआईटी घाट का, क्योंकि पटना का, और ये दोस्त इंजॉय करते हुए सभी। यहाँ से कारगिल चौक हम लोग टर्न लेंगे और सीधे एनआईटी घाट की ओर प्रस्थान करेंगे। पूरी तरह से यहीं से रस स्टार्ट हो गया है। देखिए एनआईटी घाट जाना है का, यहाँ तो जाम लगना अनिवार्य है। और आगे पूरा मेट्रो का कार्य चल रहा है, वो सारा चीज भेद दिखाते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं। ये तो रोड पर ही पूरा एकदम सब्जी मंडी लगा हुआ है ना। ये देखिए हम लोगों को कैसे कैसे निकल के जाना पड़ रहा है। नया नया रोड चेंज हो रहा है, हर दिन लुक चेंज हो रहा है। और यहाँ से देखिए बीच में सब्जी मंडी बना हुआ है, मेट्रो का काम भी चल रहा है, गरीब लोगों का भला भी हो रहा है।
और यहाँ से देखिए राइट लेकर के फिर से हम फिर से वही रोड में वापस आ चुके हैं। तो ये हालात है अभी मेट्रो के काम चलने से। पटना का हालात दिन पर दिन अभी सुधारने के लिए बिगाड़ा जा रहा है, तो बिगड़ेगा उसके बाद सुधरेगा। पटना डेंटल कॉलेज से आगे बढ़ गए हैं हम लोग, उसके बाद जस्ट आगे है पीएमसीएच, और पीएमसीएच के रास्ते हम लोग एनआईटी घाट जल्द पहुंच जाएंगे। और ये शानदार देखिए मशीन पूरा लगा हुआ है, पटना मेट्रो का काम चल रहा है पूरी तरह से, मशीन अपना वर्किंग में है। और जस्ट आगे डबल डेकर आपको ब्रिज देखिए देखने को मिलेगा मेट्रो का, और यहाँ से स्टार्ट हुई है डबल डेकर, देखिए ब्रिज बनाया गया है, काफी भयानक लग रहा है भाई। देखिए डबल डेकर ओवर ब्रिज के पास पहुंच गए, यहाँ से स्टार्ट है, देखिए पूरा काम किस तरह किया जा रहा है। और यहाँ पे अभी आगे तक पूरा पाइलिंग करके पूरा बनाया गया है, अभी बना हुआ, देखिए मशीन आगे बढ़ रही है, अभी पूरा जाम लग गया अभी इस वक्त, तो डबल डेकर बनाने में काफ़ी टाइम लग गया है और लगने भी वाला है, अभी पूरा मशीन बड़े बड़े मशीनों से ये तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, इसको बनाने में काफ़ी टाइम भी लगेगा और काफ़ी मशीन भी लगेगा और काफ़ी मजदूर इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस रोड में आने पर आपको हालत ख़राब हो जाएगा राइडिंग करने में, तो यही हालत हम लोग को भी खराब है, बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी बड़े बड़े मशीन लगे हुए हैं डबल डेकर ओवर ब्रिज बनाने में, देखिए ऊपर तक मैं भी दिखा रहा हूँ। और हम लोग एनआईटी घाट पहुँचने ही वाले हैं, तो इस परिस्थिति इस रोड को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ गए हैं, और सभी लोगों को पटना वासियों को दिक्कत हो रही है अभी मेट्रो की वजह से। और मेट्रो जब बन के तैयार हो जाएगी तो लोगों को बहुत सुविधा भी मिलेगा और आसान हो जाएगी आने जाने में, कम टाइम में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और यहाँ का रश देखिए, काफ़ी लोग यहाँ से एनआईटी घाट जा रहे हैं गंगा आरती के लिए, और वहाँ से आ भी रहे हैं लोग अभी, तो हम लोग गाड़ी लगा के पैदल ही निकलने वाले हैं क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जाएगी। और ये आप लोग देख सकते हैं एनआईटी घाट के पास ही साइड में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और गंगा जी के अंदर बालू भरा रहा है। तो हम लोग अभी एनआईटी घाट पहुंच चुके हैं, पूरा खत्म हो चुका है गंगा आरती, और यहाँ पे लोग मस्ती करते हुए पूरा भीड़ दिखा रहा हूँ, देखिए काफी काम चल रहा है अभी मरीन ड्राइव का।